हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। एलोवेरा, एलोवेरा के बहुत सारे फायदे होते हैं हमारे हेल्थ पर। अगर आप रेगुलर बेसिस पे एलोवेरा का जूस पीते हो तो इससे आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं और आप हेल्दी रहते हो, साथ ही आपके शरीर के टॉक्सिन्स भी निकल जाता है। इसी तरीके से अगर आप अपनी स्किन और बालों पे अप्लाई करते हो तो स्किन रिलेटेड और बालों से रिलेटेड समस्याएं भी ये दूर करता है। साथ ही रेगुलर अप्लाई करने से आपकी स्किन को ग्लोइंग और खूबसूरत बनाता है। लेकिन इसको अप्लाई करने का सही तरीका पता होना चाहिए। कभी-कभी हमें ये तो पता होता है कि इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, इससे हमारी स्किन ग्लोइंग बनेगी, दाग धब्बे दूर होंगी, लेकिन इसको लगाएं कैसे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपको लगाना सही तरीके से नहीं आता है तो ये आपके नुकसान भी कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि एलोवेरा जेल को सही तरीके से कैसे लगाएं बालों और स्किन दोनों पे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलेगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एलोवेरा में ऐसा होता क्या है जो हमारे स्किन और बालों के लिए फायदेमंद होता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, एंटीबैक्टीरियल गुण होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, साथ ही साथ एंटी फंगल गुण भी पाया जाता है जो हमारे बालों में यानी स्केल्प पे होने वाला जो फंगल इन्फेक्शन होता है उससे भी लड़ता है और आपके बालों को भी हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। तो ये तो रही कि इसमें होता क्या है, अब जानते हैं कि ये बेनिफिट कैसे करता है, क्या क्या फायदा पहुंचाता है हमारे स्किन पे। सबसे पहले स्किन की बात करते हैं। तो अगर आपकी स्किन डल है, ड्राई है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे एलोवेरा जेल अप्लाई करते हो तो इससे आपकी स्किन मुलायम बनती है, कोमल बनती है और ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है। इसी तरीके से अगर आपकी स्किन पे दाग धब्बों की समस्या है, एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, आजकल हमारा जो रूटीन है, हम लोग जितना ऑयली फूड्स या जंक फूड्स खाते हैं उसके चलते ऐसा देखा गया है कि हर किसी के दाग धब्बों की या फिर एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है। एक्ने पिंपल्स फिर भी ठीक हो जाते हैं लेकिन उनके जो जिद्दी दाग धब्बे हैं वो कंटिन्यू बने रहते हैं। लेकिन अगर आप एलोवेरा जेल को सही तरीके से अपने स्किन पर अप्लाई करते हो तो आपके ये जो जिद्दी दाग धब्बे हैं वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके झाइयों की प्रॉब्लम है या फिर झुर्रियों की समस्या है, उम्र से पहले ही बहुत सारी महिलाएं या बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जिनके चेहरे पर मतलब जो स्किन होती है वो लूज होने लग जाती है, स्किन पे झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती है। तो अगर ये कारण इसकी वजह से क्या होता है कि आप उम्र से पहले ही मतलब बूढ़े दिखने शुरू हो जाते हो, आपकी एज ज़्यादा लगती है। तो अगर आप एलोवेरा जेल को रेगुलर बेसिस पे अप्लाई करते हो तो आपको किसी पार्लर में जाके किसी मतलब महंगे से महंगे एंटी एजिंग क्रीम खरीदने की भी ज़रूरत नहीं महसूस होगी। आपकी स्किन को टाइट करता है और साथ ही साथ आपके चेहरे की झाइयाँ और झुर्रियों दोनों को ठीक करने में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर आपकी स्किन टेनिंग मतलब धूप में बाहर बहुत ज़्यादा अगर आप निकलते हो और उसकी वजह से आपकी स्किन टैन हो गई है तो स्किन टैनिंग को भी ये ठीक करता है और आपकी स्किन को मतलब स्किन का कलर है वो लाइट करने में भी हेल्प करता है। तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं स्किन के लिए। साथ ही अगर आपकी एलर्जेटिक स्किन होती है, कभी कभी क्या होता है कुछ लोगों की स्किन में खुजली आना, रैशेज होना, ये आम हो जाता है, धूल मिट्टी के संपर्क में आए और रैशेज होने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में भी ये आपकी स्किन में हेल्प करता है। इसके एप्लीकेशन से आपके रैशेज दूर होते हैं और आपकी खुजली भी दूर होती है। अब ये जानते हैं कि हमें स्किन पे कैसे अप्लाई करना है। स्किन पर अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा मतलब हाइड्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको रात को सोने से पहले 1 घंटा अपने स्किन के लिए टाइम निकालना है और सबसे पहले अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लेना है। हमेशा कोशिश कीजिए कि एलोवेरा जो जेल हो वो हमेशा फ्रेश प्लांट का हो। अगर आपके घर में प्लांट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप बाई भी कर सकते हो, खरीद के लेके आ सकते हो। और प्लांट में से जो मतलब कांटे वाला हिस्सा है उसको कट कर लीजिए और अंदर से आप स्पून की मदद से 2 स्पून या 3 स्पून या 1 कटोरी, आप छोटी 1 कटोरी जेल है वो निकाल लीजिए।
इसके अलावा अगर आपके पास किसी भी सिचुएशन में आप प्लांट नहीं खरीद सकते, यानी कि अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं लेके आ पा रहे हो, तो आप मार्केट में अवेलेबल जो मतलब जेल होते हैं उसको भी आप खरीद सकते हो, उनको भी अप्लाई कर सकते हो। बट कोशिश कीजिए कि फ्रेश हो, जितना फ्रेश होगा उतना ही ज़्यादा आपकी स्किन पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो अब आपको क्या करना है, उस एलोवेरा जेल को कुछ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी उसमें मतलब ऐड करने का ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी स्किन को सबसे पहले अच्छे से वॉश करना है, ताकि कोई भी धूल मिट्टी के कण आपकी स्किन पे न रहे। फिर एक मतलब टॉवल की मदद से आपको स्किन को ड्राई कर लेना है। एकदम से ड्राई होने के बाद आपको अपनी फिंगर की मदद से एलोवेरा जेल को अपनी स्किन पर सर्कुलर मोशन में अप्लाई करना है। सर्कुलर मोशन में 3 से 4 मिनट आपको मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आप इसको 15 to 20 मिनट्स ऐसे ही लगे रहने दीजिए और उसको मतलब ऐसे छोड़ दीजिए। अगर आप रात के समय है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके कोई ऑयली स्किन नहीं है, नॉर्मल या कॉम्बिनेशन स्किन है, तो आप इसको ओवरनाइट भी अप्लाई करके छोड़ सकते हो। ये आपकी स्किन को अंदर से नरिशमेंट देता है, अंदर से क्लीन करता है, साथ ही ओपन पोर्स की समस्या दूर करता है और आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है। डेड सेल्स होती है उसको भी रिमूव करता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है अगर आप ओवरनाइट इसको रखते हो तो। लेकिन हमेशा जब भी स्किन पे अप्लाई करो, किसी भी चाहे स्किन पे करो चाहे बालों पे करो, एक बार पेच टेस्ट जरूर कर लेना है। अपने हाथ के पीछे की साइड पे आपको एलोवेरा जेल लगाना है और 24 आवर के लिए छोड़ देना है। अगर आपके कोई भी रेसेज या कोई भी खुजली या कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो इसको आप कंटिन्यू बेसिस पे बिना सोचे समझे आप इसका इस्तेमाल कीजिए। ये आपकी स्किन रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकता है। लेकिन क्या होता है कि वैसे तो ये बहुत ही नेचुरल होता है, इसके साइड इफेक्ट्स मिनिमम होते हैं बहुत ही, लेकिन क्या होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और वो किसी भी चीज़ से एलर्जेटिक हो सकती है, हो सकता है वो एलोवेरा हो, इसलिए हमेशा पेच टेस्ट करना जरूरी होता है। तो ये तो है कि आपको मतलब किस तरीके से स्किन पे अप्लाई करना है। अब जानते हैं कि बालों के लिए क्या फायदेमंद होता है और बालों पे कैसे इसको अप्लाई करें। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये बेनिफिट कैसे करता है बालों को। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होता है, जो आपके स्केल्प में मौजूद जो फंगस होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है। उसकी वजह से आपके बाल है वो रूखे और बेजान हो जाते हैं, साथ ही आपके मतलब डेंड्रफ की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये जानते हैं कि ये बालों पर कैसे फ़ायदा पहुंचाता है। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है और एंटी फंगल गुण होता है, जो आपके स्केल्प में बालों में मौजूद जो फंगस होता है उसको भी डिस्ट्रॉय करके उसको भी मतलब उसको भी क्लीन करने में हेल्प करता है। तो बालों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपके डेंड्रफ होने की प्रॉब्लम हो सकती है, रूखे और बेजान जो बाल होते हैं उनको ये सही करने में हेल्प करता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे एलोवेरा जेल से मसाज करते हो अपने बालों की, तो इससे आपका डेंड्रफ दूर होता है और आपके बालों, आपको स्केल्प को मॉइस्चर मिलता है और स्केल्प को अंदर से न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये आप रेगुलर बेसिस पे अपने स्केल्प पे अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जिन लोगों के बाल झड़ने की समस्या रहती है, यानी कि अगर 10 से 15 बाल रोजाना झड़ रहे हैं तो ये नॉर्मल है, बट बहुत सारे से लोग हैं जो कंघी करते ही हाथ में बहुत सारे बाल आ जाते हैं। तो अगर आपके बालों झड़ने की समस्या कंटिन्यू है, काफ़ी दिनों से है, तो अगर आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करते हो तो आपके बालों की झड़ने की समस्या भी ये दूर करता है, साथ ही आपके बालों को लंबे, घने और मजबूत बनाता है। उम्र से पहले जिन लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं उनको भी ब्लैक करने में भी ये हेल्प करता है। और साथ ही साथ आपके बालों अगर मतलब बहुत ही रूखे और बेजान हो, तो आपके बालों को नेचुरल मुलायम बनाने का काम भी करता है। ये एक नेचुरल हेयर सीरम की तरह भी आपके बालों में काम करता है। तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं बालों के लिए। लेकिन अब ये जानते हैं कि इसको बालों पे अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे मैंने पहले बताया कि कोशिश कीजिए कि फ्रेश एलोवेरा जेल ही हो। अब आपने जो एलोवेरा जेल निकाला है, और अगर नहीं निकाला है, बाहर से लाया हुआ एलोवेरा है, तो 2 से 3 चम्मच आप एलोवेरा जेल को एक कटोरी में डाल लीजिए। अब आपको क्या करना है, अपने स्केल पे अच्छे से अंदर तक, जैसे हम ऑयलिंग करते हैं ना, वैसे ऑयल मसाज करते हैं, वैसे ही आपको एलोवेरा जेल से अपने स्केल्प की बालों की जड़ों पे मसाज करना है और कुछ देर तक अच्छे से मसाज करना है, 3 से 4 मिनट तक अच्छे से, ताकि सारी जड़ें होती है बालों की वहाँ तक ये जेल पहुँच सके। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे हम मास्क लगाते हैं, हेयर मास्क लगाते हैं, वैसे एक एक बाल को इस तरीके से आपको हेयर मास्क लगाना है पूरे जेल से, और ये मास्क लगाकर आपको 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है।
फिर आप नॉर्मल माइल्ड शैम्पू से शैम्पू कर लीजिए। ये आपके बालों को मुलायम बनाता है और साथ ही आपके बालों की रूसी दूर करता है, डैंड्रफ दूर करता है और आपके बालों को उम्र से पहले सफ़ेद होने से बचाता है, घना और लंबा करता है। ये आपके बालों और स्किन दोनों के लिए ही बहुत फायदेमंद होता है। तो ये है कि एलोवेरा जेल को किस तरीके से लगाना है और क्या बेनिफिट करता है आपके स्किन और बालों के लिए। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।